Hello guys, welcome back in the V zone. Actually, we are going to react to with Pakistan movies, na? Yes. Fitted Pakistani movies by Trigger Insan. Yes. So those are Trigger Insan ki video hai, bhai sab matlab unlimited fun. Aur Trigger Insan ki video mein logic na ho, aisa to ho hi nahi sakta. Ye baat tum sabke liye bolte ho, mujhe aisa lagne lage aajkal. So sir, dekhte Pakistani movies. मैंने एड्स का शायद कैरी मिनाट रोसी ज्यादा देखते हैं और रोस में हमेशा लॉजिक ही होते हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ना कैरी मिनाटी ने जैसे एड्स के ऊपर करा था पाकिस्तान की, ये मूवीज के ऊपर है। सो लेट्स सी यहाँ पे बाहर के लॉजिक में, बाहर के लॉजिक क्या है। तो देखने के लिए डायरेक्टली गोस टू वीडियो, हियर वी गो। क्या हो? अच्छा गाइस, लास्ट वीक मेरे को कोविड हो गया। जो जो इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा, एंड मैंने दो वीक से चैनल पे कोई वीडियो नहीं पोस्ट करी, एंड इससे पहले के यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे चैनल को आग ले आगे तबाह कर दे। मैं कुछ भी बना रहा हूँ, तो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से ये जो भी है जैसा भी है इसे बर्दाश्त करे, स्वीकार करे, धन्यवाद। पता है फिल्मों की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है ना, कि आपको चीजों का वो यूज भी पता चल जाता है जिनके लिए वो कभी बनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक गमछे का क्या यूज होता है? गले में डाल के शो ऑफ करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, अपना खुद का करियर खत्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे और नॉर्मी यूजेस हो सकते हैं एक गमछे के, लेकिन फिल्मों में गमछे का एक अलग ही यूज है। Hey, I'll come look at this. मिथुंदा इज गॉड, ये तो हमें पता था लेकिन आज हमने देख भी लिया है। देखिए गाइस, जहां पे हर विलन के पास एक तेज तर्रार चाकू तलवार जैसा कोई वेपन था, मिथुंदा ने सिर्फ गमछे से इस विलन की गर्दन काट दिया। हाँ भाई, मुझे पता है तू बहुत शौक में है, हम भी बहुत शौक में है, हमें भी नहीं समझ आया ये कैसे हुआ, गमछे से गर्दन काट दी। दिस इज बियॉन्ड साइंस। और मिथुंदा यहीं पे नहीं रुकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दंत मंजन दिया है इन्होंने गमछे से और उसका मुंह कट गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। और अच्छा, यहाँ पे सीक्रेट रिवील हो गया, गमछे के अंदर ब्लेड थे और ये गमछा घुमाया और चारों के चारों विलन नल्ले तो होते ही हैं विलन, और यहाँ पर नल्ला बना दिखाया मात्र गमछे से, सिर्फ गमछे के एक प्रहार से ये नल्ले जो चित हुए हैं। मिथुंदा आप भगवान हैं, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्या बोलने लगे। तो एनीवेज गाइस, ये तो अभी हमने देखा एक गमछे का उपयोग, ऐसे ही एक नलके का उपयोग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, लेकिन नहीं गाइस, अगेन मूवीज में नलके का एक अलग ही यूज होता है। I'm sure that is not how things work, but रुको मेरी आंखें मेरे को केरोसिन से धोने दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने क्या देख लिया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ये तो लॉजिक इनटू 100 हो गया, क्रिंज इनटू 100 हो गया, लॉजिक इनटू 100 हुआ, सही बात है। वही पुराना कमरा है पर नई चेयर है, वही मैं अपनी सी शक्ल लेके एक बार फिर से आ गया हूँ गाइस। एंड अब जो हम अगला सीन देखने वाले हैं, हम बॉर्डर के इस तरफ से बॉर्डर की उस तरफ चलते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत ही कमाल का एक्शन सीन। वाह, ओ यार, कितना मुश्किल हो सकता है एक बंदा जो एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहा है उस पे गोली चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ भाई, मूंछों वाले गंजे, बहुत बड़ा शार्प शूटर है तू, तेरे से ऐसा स्टैटिक टारगेट तो हिट ना हो रहा, तू बनेगा बहुत बड़ा शार्प शूटर है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? शेम ऑन यू मूंछों वाले गंजे। और एक बात बताओ, ये गोली चलती तो है, इसकी गोली से निकलती है फिर ये इंसान को डॉच करके ये पीछे दीवार में जाके, ये क्या हो रहा है भाई? 2 इंच की गोली से दीवार में एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड हो जाएगा भाई विस्फोट। यार ये मूंछों वाला गंजा कोशिश भी क्यों कर रहा है? नहीं, व्हाई आर यू इवन ट्राइंग ब्रो? तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा।
यार अब तक तो मैं फिर विश्वास कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से गोली डॉज हो रही है, अब ये क्या हाथों की शक्ति से गोली रोक दिया इसने बीच हवा में, ठीक है ओके हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब इसने ये गोली को हाथ में पकड़ा है एंड बहुत ही केयरफुली एग्जामिन और इंस्पेक्ट करते हुए बस कर जा यार सीरियसली, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। थग लाइफ स्वैग का नजारा यहाँ पे, और अब ये बंदा खड़ा होगा और क्या करेगा, ऑब्वियसली जो गंजा नहीं कर पाया इतनी देर से अब ये हीरो हमारा करके दिखाएगा, हाँ भाई देख गंजे ऐसे ऐसे चलाते हैं गोली, आया बड़ा शार्प शूटर। हाथ बांध रहे हथकड़ी हथकड़ी पुलिस पुलिस एडिटिंग वीएफएक्स मजा ही आया। अगर पिछले 20 सेकंड में घटित घटनाओं को देखने के बाद आप अपने खुद के अस्तित्व पर ही सवाले चिन्ह करने लगे हैं ना, तो भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मैंने बहुत सारे भारी भारी वेलकम वर्ड्स डाल दिए ताकि लगे कि मैंने कुछ बढ़िया सा बोला, अब इसी बात पे तालियां मारो। ये क्या हुआ, ये बाइक चलते चलते हवा में आई और एकदम से पेंटिंग बन गई और उसके बाद कहीं टेलीपोर्ट हो गई, ये मेरे को नहीं पता, मैं समझना भी नहीं चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सोचने जाऊंगा मेरा दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी फैंटास्टिकल। बालकृष्ण जी चरण स्पर्श स्वीकार करें, आप पुरुष नहीं है, इंसानी शक्तियों में ऐसा नहीं हो सकता, अपनी गर्दन से पूरी की पूरी सीढ़ी तोड़ देना बालकृष्ण बाबा की। सारे बोलो जय बालकृष्ण बाबा के। इस सीन में हम देखते हैं कि कुछ जंगली पागल कुत्ते बालकृष्ण बाबा को काटने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। ओ माय गॉड बालकृष्ण बाबा पीछे देखो पीछे और ये बालकृष्ण बाबा ने पीछे देख और ठीक है छोड़ा बालकृष्ण बाबा की आंखों में से नीली नीली रेविस निकली, कुत्ते ऐसे हो गए। बालकृष्ण बाबा आप ऐसा कैसे करते हो जी, हमने आपको इस काबिल बुलाया है। अभी पता लग रहा है कि जब तुम सब बोलते हो बीच में क्यों बोलते हैं, बढ़िया सिंगर ना वाह बहुत अच्छे हाँ ठीक है भाई आपने दिखाया हमने मान लिया, क्योंकि क्या है हम तो गधे हैं, हम गधे हैं, आप जो दिखाओगे हम वो लपेट लेंगे। रॉकेट लॉन्चर की भी कोई इज्जत तो है नहीं, जरूरत पड़ने के हिसाब से गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम जाती है, तो लॉजिक सेंस इन सब की बात करना तो भाई खैर बेवकूफी है। इतना ही है आज दिखाने के लिए तुम लोगों को, कर दो वीडियो को लाइक कर दो, एक बीमार की आखिरी इच्छा तो नहीं है इच्छा पूरी कर दो गाइस, मैं बीमार हूं ना गाइस, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शक्तिमान घूम रहे हैं गोल गोल, क्या बोलो बाल कृष्ण बाबा की। सारे बोलो जय जय सो जय दोस्तों जय बाबा की जय कृष्ण बाबा की जय 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 हो। ये तो लिफ्ट करा दे वाला तो लिफ्ट करा दे तुम लगो वीडियो बहुत ही इसे लॉजिकल बोलू इसे लॉजिकल बोलू नहीं नहीं एक्चुअली पहली बात बहुत ही लॉजिकल होगी लॉजिक थी पहली बात मैं बोलूंगा। देखो भाई इतना बीमार था मैं, कोविड पॉजिटिव होना पॉजिटिव होने से जितनी प्रॉब्लम है जितना उसके बारे में सोचने से प्रॉब्लम है, लोगों की सोच बदल जाती है दिमाग बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है यार। पॉजिटिव है दूर रहो छी चलो दूर रहो, मैं तो उसको भी बोल रहा हूँ दूर रहो बट एक बेसिक बात बोल रहा हूँ मजाक चलो साइड में करते पहले रियल बात है कि भाई फिर भी अपनी एल्गोरिदम को ठीक रखने के लिए वीडियो शूट कर रहा है वो एक और बड़ी बात।
और फिर उसमें भी फनी चीजें ऐड की, ऐसा नहीं कि बस ठीक है चल दी ऐसे भाई चल मेरे को डालने कुछ भी, ऐसा नहीं करा, अच्छा लगा देखकर, मजा आया, ऐसा नहीं लगा कि हाँ बिल्कुल ही ठीक है एवरेज है, बट उतना एनर्जी नहीं लगी भाई की हंसी में हर चीज में, लेकिन ठीक इतनी चुप कैसे रह गई तुम, चलो बोलो। सो मुझे वीडियो का जो कंटेंट था कि जो बिल्कुल ही उसे ऐसा लगा पूरा जस्टिफाई किया है उसको, और कहां कहां से वीडियो की क्लिप्स ला ला कर, मतलब वो शूट वाला बड़ा परफेक्ट लगा मुझे, इधर से निकल गया इधर से निकल गया, वो नमाज पढ़ रहा था और सब कुछ उसके बीच हो गया, वो थोड़ा बहुत ही होता, और ये जो लास्ट में जो शक्तिमान वाला किया जैसे कि वीर ने बोला, वो भी मुझे बड़ा मतलब फनी लगा। तो यस, और जैसे कि वीर ने बोला कि पॉजिटिव होना सच में बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव होकर लोगों में एनवायरमेंट में उसको सर्वाइव करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल वही रखना बहुत बड़ी बात है, तो वो ट्रिगर इंसान ने किया है, और सीरियसली हम चाहते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, गेट वेल सून ट्रिगर इंसान हो गया भाई अब तो, ठीक है फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना उस चीज को, मतलब पूरी फैमिली आई थिंक पॉजिटिव थी, दोनों टाइम लगता है उस चीज से कवर अप होने में, जैसे कि एनवायरमेंट वाली बात मैंने बोली, तो उसके लिए गेट वेल सून, और आई होप आपकी अगली बार जो वीडियो होगी फुल एनर्जी के साथ, फुल फ्लूइड के साथ, और हमें फुल मतलब सब पूरी मस्ती आने वाली, वैसे इस वीडियो में बड़ा मजा आया। सो टिल देन बाय-बाय टेक केयर सर, अपने दोस्त का ख्याल रखें और कोविड से बचिए यार, देखिए उसको मजाक में मत लीजिए, मजाक अपनी जगह लेकिन वायरस अपनी जगह, वायरस मजाक नहीं समझता, वो अटैक करते तो वो दिक्कत कर देता, सो टिल देन बाय-बाय टेक केयर सर, साइनिंग आउट, बाय।